हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको फ्यूचरिस्टिक साइबर पंक मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। ये हमारा एक फोटो है, उसको हम कुछ इस तरह से एडिट करने वाले हैं। फोटो काफी क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है और उसमें ये बैकग्राउंड ऐड करना है। और इसको हम रिफ्लैश या अनफ्लैश साइट से डाउनलोड किया हुआ है मैंने। यहाँ पे सिर्फ आपको साइबर पंक सर्च करना है और आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फिर हम इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में ब्लर में जाना है और यहाँ पे स्मार्ट ब्लर चूज करना है। और ये स्ट्रेंथ वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और फिर इसको सेव करना है और इसके बाद आपका फोटो ऐड करना है, जो भी आप हो या मॉडल हो। तो फोटो चूज करना है। फोटो ऐड करने के बाद हम कटआउट में जाएंगे और यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने प्रीव्यू पे बटन किया है ताकि आपकी कोई पार्ट वगैरह मिस हुआ या नहीं। और मैं यहाँ पे जो नेचुरल शेडोज है वो वैसे के वैसे रख रहा हूँ, इसलिए मैंने रिस्टोर किया है। फिर मैं सेव करूँगा और फिर इसको अच्छे तरह से फिट आउट कर दूँगा। और फिर मैं यहाँ पे इरेज पे क्लिक कर रहा हूँ और जो एजेस है ना अपने बॉडी के, उसको थोड़ा सा स्मूथन करने के लिए मैं ओपोसिटी और हार्डनेस को कम करके साइटली थोड़ा थोड़ा इरेज करूँगा ताकि वो अपना जो बैकग्राउंड है उसके साथ थोड़ा मर्ज हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा ब्राइटनेस करो, थोड़ा ये सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि थोड़ा ह्यू को थोड़ा सा कम करना है ताकि वो थोड़ा पिंकिश लुक हो जाए। और फिर शैडोज़ को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर को माइनस करना है, अपना बैकग्राउंड ब्लूइश पिंकिश है तो इस वजह से वो ठीक से एडजस्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे अपने को सेव करना है, फिर जाएंगे इफेक्ट्स में, फिर से ब्लर में जाना है और इस बार हमको सर्च करना है फोकल जूम की वजह से। और फिर यहाँ पे इरेजर में जाएंगे और सिर्फ बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करेंगे ताकि वो इफेक्ट बैकग्राउंड पे ऐड हो। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना कैसे लग रहा है, देखो जरा आप ठीक लग रहा है तो बस सेव करना है। और फिर हम यहाँ पे स्टिकर्स में आ गए। यहाँ पे सिर्फ हमने एक ड्यूअल टोन का एक फोटो है वो सर्च कर रहे हैं तो उसको ले लेंगे और यहाँ पे सिर्फ ऐड करेंगे। फिर ब्लेंड में जाना है, स्क्रीन करना है, थोड़ा सा ऑपोसिटी को एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। बस यहाँ पे ठीक लग रहा है, फिर सेव करना है। फिर हम जाएंगे ड्रॉ में और इस इमेज को सेव कर लेंगे। अब आगे हमको बढ़ना है स्नैपसीड की तरफ। स्नैपसीड में हम फोटो को एकदम क्लियर करेंगे और एकदम से क्रिएटिव बनाएंगे। सबसे पहले अपन को यहाँ पे जाना है डिटेल्स में, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर और शार्पन बढ़ा लेंगे, बस काफ़ी है। फिर यहाँ पे ट्यून इमेज में जाना है अपन को, यहाँ पे थोड़ा सा एम्बियंस को कम करना है, हाइलाइट को भी कम करना है, शैडोज को भी कम करना है थोड़ा सा, और फिर वार्म को थोड़ा सा ही करना है बस। फिर टूल्स में जाने के बाद वाइट बैलेंस में जाना है, फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल करना है और टिंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर ये हो गया, यहाँ पे ब्रश में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोजर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम जो शैडोज वगैरह है इससे और जो भी डार्कनेस डार्क पार्ट है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसलिए मैंने -0.3 रखा है, तो स्लाइटली जहाँ जहाँ पे शैडो है थोड़ा सा ये करेंगे तो वो मतलब अच्छा लगेगा बस। या फिर यहाँ पे मैंने शैडोज को बढ़ा दिया है ताकि जो वाइटर पार्ट है वो और भी ब्राइटर बन जाए और इमेज मतलब रियलिस्टिक लगे। इसको हम सेव करना है, यहाँ पे टूल्स में जाना है, फिर ग्रैनी फिल में जाना है। यहाँ पे मेरा फेवरेट जो है L04 वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और वो जो स्टाइल स्ट्रेंथ है वो अपने हिसाब से रख देना, मैं ज़्यादातर 20 और इन बिटवीन 30 रखता हूँ। फिर जाना है विंटेज में जाने के बाद जो लास्ट वाला है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्टाइल स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करना है और विंटेज स्ट्रेंथ को भी कम कर लेना है।
बस 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 यहाँ फिर से जाएंगे लेंस ब्लर में। फिर यहाँ पे अपन को इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई विंटेज और जो स्टाइल सेंथ है वो ज़ीरो करना है, और फिर इसको सेव करना है, और फिर हम जाएंगे व्यू एडिट्स में और जो अपना लेंस ब्लर है वो, और जो सेंटर वाला क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने लेंस ब्लर को 50 रखा है ताकि वो ज़्यादा मतलब डुप्लीकेट भी ना लगे और अपना स्पेस फेस अच्छे स्मूथ भी हो। आप अपने हिसाब से रख लेना मतलब इमेज का क्वालिटी क्या है। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर वाइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप उसको बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा इमेज बन गया है तो, और फिर सेव कर लेंगे बस। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।